आटा चक्की की उपयोगिता, 48 से 50 बीमारियां नहीं होती हैं, गर्भाशय मुलायम होता है, सिजेरियन से पैदा हुए बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कमजोर होती है, वह बीमार बहुत पड़ते हैं। इसके विपरीत जो बच्चे सिजेरियन से पैदा नहीं होते हैं उनका दिमाग पूरी तरह से विकसित होता है और कल्पनाशीलता अधिक होती है। रोटी 48 मिनट के अंदर खा लेनी चाहिए। गेहूं का आटा 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी आटा 7 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए। रोज का हो तो सबसे अच्छा है। घर के आटे की रोटी अधिक खाने पर भी पच जाती है, लेकिन बाजार के आटे की रोटी ज़्यादा होने पर गैस पैदा करने लगती है, वजन कम करने में मदद करती है। चक्की 15 मिनट रोज चलाना चाहिए। 45 वर्ष के बाद गर्भाशय की बहुत सारी समस्याएं शुरू होती हैं। मेंसेस साइकिल बंद होता है, मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है जो कि बच्चे के जन्म के समय से ज़्यादा तकलीफ देने वाला होता है। कुछ समस्याएं तो ऐसी होती हैं जो किसी को समझ में ही नहीं आती हैं। अचानक से पसीना आता है, फिर थोड़ी देर में ठंड लगना शुरू हो जाता है, फिर थोड़ी देर में चेहरा तमतमा जाता है। इन समस्याओं को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए चक्की और सिलबट्टा प्रयोग में लाया जा सकता है। सिलबट्टे को चलाने से ज़्यादा जोर पेट पर आता है। दवा खाकर नियंत्रित करने के साइड इफेक्ट कई सारे हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट तकनीक HRT से वजन बढ़ता है। हमारी तीसरी कम रफ्तार के उपकरणों की है। गर्म देश के लोगों में स्वाभाविक रूप से वायु का प्रकोप ज़्यादा रहता है। वायु की स्थिति में हर एक चीज़ धीमी रफ्तार से करनी चाहिए। ठंडे देशों में वायु बहुत कम होती है और पित्त कफ अधिक बढ़े हुए होते हैं। वायु बढ़ाने के लिए सारी क्रिया तेज होती है। वायु बढ़ने से मृत्यु जल्दी होती है। ताज़ी वस्तुएं खाने से 28 से 30 सामान्य बीमारियां नहीं आती हैं, अतः घर की चक्की का आटा ही खाएं।